सोलन में जिला भाजपा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार भी मौजूद रहे। राजेश कश्यप ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस खबर से सोलन भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। सोलन में जिला भाजपा ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार भी उपस्थित रहे। राजेश कश्यप ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस खबर से सोलन भाजपा कार्यकर्ता खुश हैं और उनका सीना चौड़ा हुआ है। राजेश कश्यप ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा ने अपना सफर एबीवीपी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में आरंभ किया था, लेकिन आज उनके कार्य और कर्मठता को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष पद से नवाजा गया है, जिसकी वजह से आज भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी फक्र महसूस कर रहा है और उनका मनोबल भी ऊंचा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से नड्डा ने विधायक, मंत्री और फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में सराहनीय भूमिकाएं निभाई हैं, वे इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाएंगे और संगठन को और मजबूत कर हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे और भारतीय जनता पार्टी सोलन की ओर से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे यहाँ के बड़े लोकप्रिय नेता हैं श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। हम बहुत ही खुश हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है हिमाचल प्रदेश के किसी नेता को इतना बड़ा ओहदा मिला है। श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी एबीवीपी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न स्तरों पे जो है वो विभिन्न पदों पे रहे हैं और उसके साथ साथ विधायकी में भी अगर देखें 3 बार जो है वो एमएलए चुने गए और 1 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। एमएलए बनने के बाद 2 बार जो है वो मंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में, पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे और उसके बाद जो है भारत में जो है माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे और एक बहुत बड़ी योजना आयुष्मान योजना जो है उनके सानिध्य में ही जो है सारे भारतवर्ष में लागू की गई। हम अपनी ओर से माननीय श्री नड्डा जी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वो आने वाले समय में जो है वो पूरी तरह से जो है अपना जिस तरह से उन्होंने पहले भी अपने संगठन को मजबूत किया है उसी तरह से जो है दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में संगठित कर जो है उसको और भी ज़्यादा ऊंचे शिखर की ओर ले जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने कार्य शुरू किया है और आज वो कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर जो है विराजमान हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है जो भी कार्यकर्ता है उन पूरी तरह से जो है प्रोत्साहित हुआ है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।